नेशनल हो या इंटरनेशनल एनवायरमेंटल। हेलो दोस्तों, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू textbook.com। आई होप सो मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों को अच्छे से आ रही होगी और आप लोग जो है यहाँ पे सब कुछ बढ़िया। एक बार जल्दी से बता देंगे सब कुछ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है ऑडियो वीडियो में तो मुझे बताएंगे, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं आज अपने इम्पोर्टेंट जो हमारा मॉक टेस्ट होता है उसके ऊपर बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, हार मत मानो, हमेशा अगला मौका आता है और जो टिक करके लगा रहता है, टिक करके बैटिंग करता है, वही अंत में सफलता को प्राप्त करता है। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर SSC का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको जिस तरीके से SSC का पिछले साल का सिनेरियो था सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर चीजों को सीखेंगे। करंट अफेयर से लेकर के स्टैटिक पोर्शन आज के आपको हमारे मॉक टेस्ट में मिलेगा, साथ ही साथ हिस्ट्री पॉलिटी और साइंस की पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे साथ इस पूरे सेशन को लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पर SSC CGL की तैयारी करना चाहते हैं और आपको यहाँ पर लगता है कि वो कौन से ऐसे सेट है जिनको लगा करके जाएं और एग्जाम में वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आए तो जरूर इसको लगाइएगा। तो CHSL की तैयारी करने वाले, CGL की तैयारी करने वाले या NTPC Tier 2 की तैयारी करने वाले बच्चे जरूर इस वीडियो को देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो। देखिए इस क्लास की छोटी सी शुल्क जो है वो क्या है, ये छोटा सा शुल्क है कि आपको अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। जल्दी से सभी लोग अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर चुके हैं तो मुझे एक बार बता देंगे कि सर हमने वीडियो को शेयर कर दिया है, जिससे कि हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ा सके। शेयर कर दिया भाई सभी लोगों ने, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ पर हमारा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे कि मैंने आज सुबह भी बात की थी, ये हमारा सोलर पावर प्लांट से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है। इसमें जो है वो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में सोलर पावर प्लांट को कमीशन किया गया है जो इसको अपनी एनर्जी देने वाला है, मलपुरम है, पलक्कड़ है, कोल्लम है या कोन्नूर है? जरा जल्दी से जवाब देना, देखे कितने लोग बताने वाले हैं। पावर प्लांट जो कि हमारा अपने किसको पयनूर में, पयनूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये कौन सा हमारा पड़ेगा? जनता यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए कोन्नूर, 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 कोन्नूर बोलने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अभी हमारे जितने भी एग्जाम हुए इस साल सोलर के ऊपर या हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर या हमारे टाइडल प्रोजेक्ट के ऊपर जरूर बात कर रहा है और करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ें ज्यादा आ रही हैं। तो कोन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो है ये जो पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, इसको स्थापित किया गया है जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपनी सर्विसेज दे रहा है। गाइस अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, 14 में, 35 में, 15 में या 1919 में? जलियांवाला बाग कांड, गाइस रोलैक्ट एक्ट के विरोध में, रोलैक्ट एक्ट जो था उसके विरोध में हमारा ये कानून लेकर के आया गया था और याद रखिएगा ये हमारा 13 अप्रैल 1919 में ये हमारा कांड हुआ था जिसमें जनरल डायर ने लगभग 1284 लोगों को गोली मार दी थी। अगला क्वेश्चन क्या आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का चुनाव कौन करता है? बेटा पॉलिटी का क्वेश्चन है, जवाब देना गाइस, पूरा पेपर लगाइएगा मेरे साथ बैठ करके, पूरा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जरूर नंबर तुम्हारे इंक्रीज करेंगे, पूरा मॉक टेस्ट लगाना जल्दी से। यहाँ पे जनता बोले सर सही उत्तर होना चाहिए, यहाँ पर गवर्नर जो है हमारे लोकसभा आयोग के सदस्य का चुनाव करता है राज्यों में, ठीक है। अगर केंद्र की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट आ जाएगा। पार्ट नंबर किसमें, पार्ट नंबर 14 में हमारे PSC मतलब बोल सकते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 14 में। अगला प्रश्न आपके पास आता है, फरवरी 2022 की एक न्यूज है, होप एक्सप्रेस जो है ये कौन से स्टेट के द्वारा चलाई गई कैंसर पीड़ितों के लिए, कर्नाटक, हमारे गुजरात है, महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है? जल्दी से जवाब देना है, पूरे मॉक टेस्ट में आप लोगों के लिए लेकर के आए हो 90 प्रश्न, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और गाइज अगर आप मेरे साथ ये लगाओगे नहीं मॉक टेस्ट तो फिर मजा नहीं आएगा, सब लोगों को ये लगाना है मेरे साथ बैठ करके। तो जनता बोली गए सर होप एक्सप्रेस जो कि कैंसर पीड़ितों के लिए चालू की गई है ये हमारे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, भगत सिंह कोशियार ने इसको हरी झंडी दिखाई हुई है। तो जितने लोग यहाँ पर 3 नंबर बोल रहे हैं बच्चों नंबर मिल जाएगा। Which one of the following continents account the maximum share in export from India? दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया निर्यात से लेकर के, निर्यात का मतलब है हमारा क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है किसी भी चीज को बाहर भेजना। हम सबसे ज्यादा भारत से निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कौन से महाद्वीप की है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका? ठीक है, तो यहाँ पर जनता बोली है भारत से एक्सपोर्ट करने में जो सबसे ज्यादा जिसमें हिस्सेदारी है बेटा वो एशिया है, बेटा एशिया के ऊपर ही टिक करना है नहीं तो नंबर चला जाएगा, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे हमारा सिंगापुर हो, चाहे हमारे बाकी के कोई भी कंट्री हो, एशिया में ही हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, कोई भी गलती मत करना। यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट हमारा जो कॉर्पोराइजेस्ट पोर्ट है वो कौन सा है,
कॉर्पोरेट जगत को दे दिया गया है, या कई लोग बोलते हैं कि प्राइवेट पोर्ट बन गया, वो कौन सा है? एन्नूर है, पारादीप है, कांदला या तूतीकोरिन है? गाइज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बैठ करके पेपर लगाइए, रोज 10:30 बजे मैं यहाँ पर पूरे मेहनत के साथ आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आए जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के क्वेश्चन, जैसा कि 2021 और 20 में पेपर था उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बना करके लेके आए। लेकिन अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो थोड़ा सा जोश और जुनून कम हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए एन्नूर पोर्ट। जितने लोग एन्नूर पोर्ट बोले जवाब उनका बिल्कुल सही है। इसी को हम लोग यहाँ पर चेन्नई में देखेंगे। पहला हमारा कैसा है? पहला हमारा कॉर्पोराइज्ड पोर्ट है। हाँ बेटा शुरू करेंगे, ग्रुप डी का शुरू करेंगे, पहले अभी यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रसिद्ध चिल्का झील कौन सी है? बेटा बहुत हल्का क्वेश्चन है यहाँ पे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या हमारा मध्य प्रदेश। बेटा ये एक लगून झील है, मतलब जो समुद्र के पानी से कट करके बनती है उसको लगून झील बोलते हैं, और ये हमारे उड़ीसा में राज्य में आपको देखने को मिलेगी। उड़ीसा जितने बच्चे बोल रहे हैं जवाब सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली उपलब्धि कौन सी थी? इनमें से हमारे नेशनल कांग्रेस का पहला अचीवमेंट कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वराज्य है या लखनऊ पैक्ट है? कौन सी भारतीय कांग्रेस की पहली अचीवमेंट थी? तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे नेशनल कांग्रेस को एक साथ भारतीयों को एक मंच पर लेकर के आना और उनके बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाना, ये कांग्रेस को बनाया गया था, और इसका सबसे पहला अचीवमेंट था इंडियन काउंसिल एक्ट में भारतीयों का प्रतिनिधि। यहाँ पर 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट में भारतीय प्रतिनिधियों को भी भेजा जा रहा था हमारे मंत्रिमंडल में। तो यहाँ पर एक नंबर जितने लोग बोल रहे बिल्कुल सही है। एक जीटा बाइट कितने बाइट के बराबर होती है? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भी, मैंने बोला ना कि कंप्यूटर के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और यहाँ पे पूरा ऐसा मॉक टेस्ट मैंने तैयार किया है जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाए, करंट अफेयर्स, स्टैटिक चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इकोनॉमिक्स का तड़का भी लगेगा। तो बेटा पूरा एकदम एसएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट आप लोगों को करना है। यहाँ पे जनता बोलिए सर 10^21 अगर आप लगा देंगे तो जीटा बाइट बन जाएगा। बेटा याद रखिएगा हमारे यहाँ पर आपके बिट से शुरू होता है, सबसे छोटा यूनिट बिट होता है, और अभी हम लोग जीटा बाइट तक पहुंच गए। समझ रहे हो कि नहीं? जीटा बाइट, एक बिट में बेटा कितने 8 बाइट होते हैं, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद से 10 से 24 हमारे बाइट में किलो बाइट आ जाएगा, केबी आ जाएगा, फिर आता है हमारा जीबी, फिर टीबी, यहां तक आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ आपको बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, यार यार ले आओ भाई अगला प्रश्न। चिल्का झील इनमें से हमारे कौन से राज्य में है? इसको भी आप स्मार्ट बुक ये आप परचेज कर सकते हो, जहां पर टाइम टू आंसर के साथ साथ आपको यहां पर स्मार्ट आंसर की मिलती है। यहां पर देखेंगे 88% लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए हमारे उड़ीसा राज्य में। जितने लोग यहाँ पर उड़ीसा बोल रहे हैं नंबर उनका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आपको यहाँ पर जवाब देना बढ़िया तरीके से। फिलोसफर वूल केमिकली आप इसको किस नाम से जानते हैं? गाइस फिलोसफर वूल ये दिखने में व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही ये हमारा गर्म होता है, मतलब जैसे गर्म जगह पर लगाया जाता है, इसका कलर येल्लो हो जाता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर? मलहम में करते हैं। मलहम अगर आपको चोट लग जाती है तो जो आप क्रीम लगाते हैं वो हमारे फिलोसफर वूल होती है, और ये होती है हमारी ZNO, जिंक ऑक्साइड। जितने लोग बोल रहे हैं बाबू यहाँ पर जवाब उनका सही है, फिलोसफर वूल को हम लोग जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर नंबर अगर आपको लेकर के जाना है तो यही आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा Mg2O हो गया, ये हमारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो गया। तो ये हमको याद रखने एग्जाम में पूछा जाना है। एक यहाँ पर प्रश्न आ रहा है करंट अफेयर से, वापस से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है। जर्मनी बेस्ड RWNE रिन्यूएबल के साथ हमारी कौन सी कंपनी ने क्या किया हुआ है? विंड एनर्जी के लिए, मतलब वायु ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए समझौते पर साइन किया है? सुल्जान है, टाटा है, रिलायंस है या JSW एनर्जी है? गाइज ये हमने करंट अफेयर्स में आपको कराया हुआ था, देखते कितने लोगों को याद है। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से क्वेश्चन है, मुझे लग रहा था कि बच्चे सपोर्ट करेंगे हमारे साथ, करंट अफेयर्स को बैठ के बनाएंगे हमारे साथ, साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 10 मिनट हो चुका है और अभी तक हम लोग 100 के आंकड़े को टच नहीं किए। दोस्तों अगर आप मेरी मेहनत को अगर मेरे साथ लगाना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को हमारे साथ बैठ करके बनाइए, मजा आएगा धमाकेदार तरीके से। यहाँ भी जनता बोली सर टाटा पावर होना चाहिए, टाटा पावर यही है। करंट अफेयर्स पढ़ना और उसको याद रखना बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो टाटा पावर इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ऑर्गेनाइज फर्स्ट काइंड ऑफ ग्लोबल समिट फॉर रीइमेजिंग म्यूजियम
इन 15 से लेके हमारा 16 फरवरी कहां पर है? हैदराबाद, बंगलुरु, इंदौर या मुंबई? जवाब बताइए। क्या आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर करते हैं? अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जनता बोली है, सर कल्चरल मिनिस्ट्री जो हमारे जी किशन रेड्डी के पास है, जी किशन रेड्डी साहब की ये मिनिस्ट्री है, और आपको याद रखना है ये हमारे हैदराबाद में ये आयोजित किया गया है, क्योंकि ये हमारे सिकंदराबाद से क्या है, सिकंदराबाद से हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हैदराबाद सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक नाम दिया गया है जिनका नाम है हरगस पिंग रॉबिन्सन। जर्मनी में इनका इंतकाल हुआ है। ये हमारे म्यूजिक के हॉल ऑफ फेम कब बने? यहाँ पे 2010 है, 12 है, 14 है, 16 है। गाइस करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ने वाला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसलिए आज से हमने करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीए, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी ये पूरे के पूरे मॉक टेस्ट का रिविजन करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं, एक महीने के अंदर एग्जाम होने वाले हैं। क्या यहाँ पे लगाओगे साथ में बैठ के क्वेश्चन? लगाओगे साथ में? जनता बोले सर 2012 होना चाहिए। 2012 में हमारा ये रॉबिन्सन साहब ने का देहांत हुआ और ये हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिए गए, है ना। हॉल ऑफ फेम में कब थे? 2012 में। ठीक है, चलिए ह्यूग रॉबिन्सन के बाद एमके प्रसाद की बात कर लेते हैं। एमके प्रसाद जिनका 2022 में निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, लिटरेचर है या मेडिसिन है? जनता बोलेगी सर एमके प्रसाद जो कि हमारे बोल सकते हैं कि साउथ इंडिया के बहुत बड़े एनवायरोनोलॉजिस्ट थे, यहाँ पर जितने लोग 2 नंबर बोल रहे हैं, जवाब सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा पुलिस ने फिलिंग द ब्लैंक्स हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। हरियाणा पुलिस फिलिंग द ब्लैंक्स हरियाणा सरकार के अंदर आती है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर, पब्लिक रिलेशन या सोशल वेलफेयर? भैया देखिए, पुलिस सबसे पहले किसका मैटर है, तो पुलिस जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी जो हमारा कौन सा है, मुझे लगता है कि होम अफेयर्स के ऊपर टिक करके आ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की पदवी से सम्मानित पहला गुप्ता शासक कौन था? बेटा पूरा एसएससी सीजीएल के तर्ज पर ये हमने पैटर्न पे ये अपना मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, लेकिन सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा भाई। मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को ऐसा कराया जाए जो कि एसएससी सीजीएल में जो पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे जनता बोलिए सर सही उत्तर होना चाहिए समुद्रगुप्त प्रथम। जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री अनाउंस रीनेम द आईलैंड सेलिब्रेटेड 17th एनिवर्सरी ऑन द ओकेजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ब्रिटिश थ्रोन? यहाँ पर 70वीं वर्षगांठ में कौन सा ऐसा आइलैंड था जिसका नाम बदलने की घोषणा की है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमारा साउथ अफ्रीका या फ्रांस है? 17th एनिवर्सरी ऑन द ओकेजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ब्रिटिश थ्रोन किसका नाम बदला जा रहा है? तो गाइज ये हमारे ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है जिसका नाम बदला जा रहा है क्वीन एलिजाबेथ के सेकेंड के 70वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है जो हमारे मिट्टी का प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है, मतलब हमारे सॉइल से निकलती है, मिट्टी से निकल रही है? ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है या रेडॉन है? जल्दी से जवाब देना, देखिए कितने लोग जवाब देने वाले हैं। यहाँ पर जनता बोले सर हम नहीं बनाएंगे आपके, दिख रहा है कि नहीं बनाओगे यार, ठीक है, इसीलिए यार मेहनत करने का मन नहीं करता है। बच्चों को मॉक टेस्ट के लेवल पे, जैसे एसएससी के लेवल पे आने वाले क्वेश्चन है वो कराने का मन नहीं करता है, क्योंकि बच्चे लगाते ही नहीं है। अब बताइए 100 बच्चे भी अभी नहीं हुए, 15 मिनट हो चुका है और यही पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तो बताइए किस, आप बताइए ये सपोर्ट में आगे करने का मन करेगा? फिर यही है, फिर मजा नहीं आएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे सही जवाब होनी चाहिए, रेडॉन गैस इज राइट आंसर। जब हमारे देश में अर्थक्विक आता है या कहीं पर भी अर्थक्विक आएगा तो हमारा ये गैस निकलेगी, अर्थक्विक के समय ये गैस निकलती है, रेडॉन गैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? लार्जेस्ट मैन मेड लेक, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, डेबर झील है, राजसमंद है, गोविंद बल्लभ है, महाराणा प्रताप है? यहाँ पर जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है। पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जिसको आप देखेंगे वो हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी। गाइस इसको रिहंद झील के नाम से भी जानते हैं, नाम है हमारा गोविंद बल्लभ पंत। ये दोनों हमारे राजस्थान में और ये हमारे कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी के ऊपर बना हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फरवरी 2022 में मॉस्को में विशु चैंपियनशिप किसने जीती है? साजिया तारिक है, दीपिका पल्लीकल है, मैरी डिसूजा या सैफाली वर्मा है? जो लोग यहाँ पर रेगुलर आकर के करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे उनको पता होगा विशु चैंपियनशिप हमारे यहाँ पर किसने जीती है। जनता बोले है सर आपने फोटो दिखाया था, साजिया तारिक जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इन्होंने ये विशु चैंपियनशिप को जीता हुआ है मॉस्को में। अगला क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसको हम लोग पयालू एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, कपिल देव है, पीटी उषा है, मिल्खा सिंह है या पीवी सिंधु है? गाइज हमारे देश की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने एशिया कप में हमको मेडल दिलाया हुआ था और इनको हम लोग जानते हैं किस नाम से,
जनता बोले है सर पीटी ऊषा होना चाहिए, जितने यहाँ पर पीटी ऊषा बोल रहे हैं उन बच्चों का नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इनमें से हजारों मंदिर का शहर, यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं कि इनको हम लोग हजारों मंदिर का शहर बोलते हैं, महाबलीपुर है, कांचीपुरम है, वेंकटेश्वर है या श्री सैलम है, जल्दी जनता जवाब देगी दोस्तों, जल्दी से फटाफट जवाब देना है। तो जनता का जवाब आना शुरू हो गया है गाइस, इस क्वेश्चन के साथ मुझे 130 बच्चे चाहिए। अगर आप लोग 130 बच्चे अभी तक नहीं हो गए ना, बहुत बड़ा डिमांड नहीं कर रहा हूँ, 1300 बच्चे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ 130 बच्चे नहीं हो गए तो भैया मजा नहीं आएगा, जल्दी से सभी लोग पूरे वीडियो को देखिए। तो कांचीपुरम का जो हमारा मंदिर है जो पल्लव वंश के लोगों ने बनाया था, ये हजारों मंदिर का शहर बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वांसदा नेशनल पार्क कहाँ पे, असम, उत्तराखंड, पंजाब या गुजरात, वांसदा नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। जनता बोलेगी सर वांसदा नेशनल पार्क को, ब्लैकबक नेशनल पार्क को, ये हमको गुजरात में देखने को मिलेगा। जितने गुजरात बोले जवाब उनका बिल्कुल सही है। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉजेज द एलिमिनेट चेंज इन द क्लाइमेट इज नोन एज, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का मानव गतिविधि कौन सी है, जंगलों का काटना, हमारे कृषि की गतिविधियां है, हमारे एरोसोल का प्रयोग है या ये सभी है। गाइस मुझे तो लग रहा है कि या मैं इन सभी के ऊपर टिक कर देता हूं, जितने लोग यहां पर बोल रहे हैं ये सभी के सभी जवाब उनका सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ easymytrip.com, easymytrip.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वरुण है, रणवीर कपूर है, आलिया भट्ट है या विजय राज है। तो यहाँ पर जनता क्या लगना चाहिए, यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर सब कुछ जो हमारे आसपास हो रहा है, नहीं पता है तो बेटा पेपर छोड़ देना, विजय राज जितने लोग बोल रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है, विजय राज एंड वरुण शर्मा ये दोनों हमारे इजी माई ट्रिप के बनाए गए हैं, जो कि एक हमारा ट्रेवलिंग टिकट बुक करने वाला साइट है। यहाँ पर सबसे ऊंचा रोहतांग पास कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्या होना चाहिए, रोहतांग पास आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। गाइस कल से मैं सोच रहा हूँ यार क्लासेस लेना बंद कर दूं, तुम लोगों का इंटरेस्ट नहीं है यार क्लास करने में, सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ, नहीं लूंगा यार क्लास यूट्यूब पे, फ्री में क्लासेस इतना बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर बैठ करके टीम एक एक चीज को छाट रही है और आप लोग यहाँ पर लाइव आकर के क्लासेस नहीं देख रहे हैं, ये चीज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि क्यों आखिर आप लोग यहाँ पर एक दिन 300 बच्चे आ जाते हो, अगले दिन तुम लोग छुट्टी मार लेते हो यार, समझ रहे हो कि नहीं। इस तरीके से फिर हमें भी लगता है कि नहीं यार फिर कुछ कमी रहेगी, या तो हमारे पढ़ाने में, या तो हमारे कंटेंट में, या तो बच्चों के अंदर कमी है। कुछ बातें हैं जो हमको हमेशा माइंड करनी चाहिए कि हम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर के इस कंटेंट को आके फॉलो करते हैं जो एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे आपको देखिए कितने बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक पॉइंट्स भी है, नहीं यहाँ कैसे नेक्स्ट कर दे, आप लोग नेक्स्ट कर देते आप ही लोग कल छुट्टी मार लोगे, आधे छुट्टी मार लोगे। इसको एक पंचुअलिटी बनाओ कि 10:30 बजे हमारी क्लास मंडे से फ्राइडे तक होती है, उसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, नहीं करना तो आप लोग यहाँ पे कमेंट के नीचे बोल दीजिए कि सर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है, SSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब देगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि अटल टनल बनाई गई है अभी हाल में ही, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल है, तो हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। अभी आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में मोस्ट एक्सटेंसिव टेरिटरी कौन सी थी, सबसे ज्यादा व्यापक क्षेत्र को लाभ उठाया है, सबसे एक समय में, यहाँ पर लिखा है दिल्ली सल्तनत के एक समय में फिलिंग द ब्लैंक्स के शासन काल के दौरान सबसे व्यापक क्षेत्रों का लाभ उठाया, खिलजी ने, तुगलक ने, हमारे मुबारक शाह खिलजी ने या मोहम्मद शाह तुगलक ने। एक्सटेंसिव टेरिटरीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यहां पर जनता बोलेगी सर सबसे ज्यादा जिनका शासन काल फैला था वो थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, इनके दौरान सबसे ज्यादा। देखिए आधे लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया है ना, आधे लोगों का गलत हो गया। देखिए गाइस क्या था, खिलजियों ने शासन को सबसे ज्यादा दूर तक फैलाया, लेकिन सबसे लंबा जो शासन है, सबसे लंबा जो एरिया है वो मोहम्मद बिन तुगलक को मिला था, भले उन्होंने जो है इसको पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था, लेकिन सबसे लंबा जो है रीजन इनके पास में ही था, मोहम्मद बिन तुगलक के पास में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनमें से कौन सी विरासत आती है, जिम कार्बेट है, नंदा देवी है, राजा जी है या इनमें से कोई नहीं, जल्दी जनता जवाब देगी। तो यहां पर जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए हमारा जो नंदा देवी एंड फ्लावर ऑफ वैली, ये दोनों यूनेस्को हेरिटेज में आते हैं। गाइस याद रखिएगा 40 हमारी कल्चरल साइट है, इसमें से हमारे कुछ नेचुरल भी हैं, तो नंदा देवी एंड फ्लावर ऑफ वैली हमारे इनमें आते हैं। आगे चलते हैं, इनमें से किस मंदिर को हम लोग बंदर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, मंकी टेम्पल के नाम से, जगत शिरोमणि है, गलाता देवी है, राजेश्वर का शिवालय है या मल्लीनाथ जी का टेम्पल है, जल्दी से बेटा जवाब देना है क्या होना चाहिए सही उत्तर। बहुत बढ़िया, मंकी टेम्पल के नाम से आप किसको जानेंगे, मंकी टेम्पल, यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा है इसका सही जवाब होना चाहिए, जितने लोग बोले हैं गलता जी का टेम्पल, ना जवाब उनका सही है। तो जो गलता जी का टेम्पल है इसको हम लोग मंकी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं,
याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारे अगर देखा जाए तो जयपुर का में स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के किले में आपको कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा? चित्तौड़गढ़ फोर्ट में कौन सा जैव मंदिर है? कुंभ श्याम है, सतबीसी है, संधेश्वर है या तुलजा भवानी का मंदिर है? जल्दी से जवाब देना है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनता बोल रही है, सर अगर यहाँ पे अगर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात करेंगे तो ये हमारे बिल्कुल राजस्थान में है, जहां पर आपको जैन मंदिर देखने को मिलेगा जिनका नाम है सतबीसी देवरी का मंदिर। तो यहाँ पे सतबीसी देवरी का मंदिर जितने लोग बोल रहे हैं उन बच्चों को जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा कि आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रृंखला में कितने हमारे तत्व हैं? गाइज एफ ब्लॉक आप सभी को मालूम होगा, लैक्टिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज यहाँ पे पाई जाती है। तो एक्टिनाइड में कितने तत्व हैं? देखो नहीं मालूम होगा, 15, 14, 12 या 16 आने वाले क्वेश्चन है। और अगर आप ये मॉक टेस्ट लगाएंगे तो भैया देखो 90-90 क्वेश्चन कराएंगे और तुम्हारे इतने सारे प्रश्न लग जाएंगे कि आप लोगों को ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एक्टिनाइड सीरीज शुरू होती है 89 से शुरू होती है और 103 तक जाती है। तो गाइस यहां पे अगर मैं देखूंगा तो 15 तत्व आपके आ जाते हैं एक्टिनाइड में, एटॉमिक नंबर 89 से लेकर के एटॉमिक नंबर 103 तक शुरू होते हैं। यहां पर टोटल 15 तत्व आपके आ जाएंगे। तो 15 जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का स्थापना दिवस हर साल आप कौन से दिन मनाएंगे? 1 को, 27 को, 31 को या 11 को? डीआरडीओ के स्थापना दिवस की बात की जा रही है, हर साल किस साल हम मनाएंगे? जल्दी से जनता को जवाब देना है। यहाँ पर जनता बोलेगी सर आप यहाँ पे डीआरडीओ की स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाएंगे। गाइस डीआरडीओ को हम लोग 1 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? जनता बोले सर इसका हेडक्वार्टर हमारे नई दिल्ली में है, हमारे बिल्कुल ये 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी हमको याद रखना है। आगे चलते अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। कौन है? जी सतीश रेड्डी, ठीक है ना, ये भी याद रखना है, जी सतीश रेड्डी साहब जी इसके चेयरमैन है अभी हाल में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसके ऊपर अपना जो है वो रिसर्च किया था? ये तो आज इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ड्रोफिला है, रैट है, हमारा मगर मटर है या ईस्ट है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारे अनुवांशिकरण के फादर के तौर पे जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो मटर के पेड़ के ऊपर किए थे। यहाँ पर बिल्कुल ये हमारे अनुवांशिकती हेरिडिटी के फादर है और आप याद रखिएगा ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। अभी आपको बताइए कि यूनियन मिनिस्टर जितने भी हैं वो कौन अपॉइंट करता है? होम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या हमारे पीएम साहब है? गाइज आर्टिकल नंबर 74 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 74 पिछले बार के एसएससी के सीजीएल में आर्टिकल नंबर 75 पूछा गया था, दोनों मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो यूनियन मिनिस्टर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बेटा? एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर और एक होते हैं मिनिस्टर विदाउट चार्ज, जिनके पास किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता है। ये 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे। जितने लोग यहाँ पर 2 नंबर जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है और पीएम मतलब 75 में पीएम साहब आ जाते हैं, बहुत बढ़िया, 2 नंबर बिल्कुल सही है। होशियाल का जो मंदिर है ये हमारे किस प्रकार की शैली का उदाहरण है? देखिए मंदिर की शैलियां पूछ रही आपके सामने है, नागर है, वेसरा है, द्राविड़ है या पाला है? जल्दी जनता जवाब देगी फिर आगे बढ़ते हम लोग। दोस्तों हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले तो 11 बजे तक 200 बच्चे हो जाने हैं, याद रखिएगा तभी मजा आएगा। अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चन अपने एसएससी सीजीएल तक लगाना चाहते हैं, सीएचएसएल तक लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सपोर्ट दोगे, प्यार दोगे तभी ये फ्री की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे जनता बोलिए सर होशियाल का टेम्पल हमारा वेसर स्टाइल में बनाया गया टेम्पल है, याद रखिएगा हमारे पाल स्टाइल में जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के मंदिर बनाए जाएंगे। ठीक है, अगर हम द्रविड़ियन की बात करेंगे तो हमारे ये कहाँ पर? साउथ इंडिया में बनाए जाएंगे, सभी को पता है। नागरा स्टाइल की बात करेंगे तो हमारे ये बोल सकते हैं बुंदेलखंड के इलाके और एमपी में आपको देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? सभी बच्चों को प्रश्न लगाते रहना है, कोई भी रुकेगा नहीं। आपको अगर एसएससी सीजीएल में नंबर 10 नंबर तक बढ़ाने हैं तो ये क्लास जरूर लगाइएगा, नहीं तो नंबर चले जाएंगे, नंबर पीछे हो जाएंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं मेहनत करता हूं, 2 घंटे बैठ करके क्वेश्चनों को यहां पर मेहनत की जाती है आपके साथ। तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए, यहाँ पर कई लोग 7 नंबर बोल रहे हैं, कई लोग 7 नंबर बोल रहे हैं, नहीं भैया 7 नंबर को रिपील्ड कर दिया गया है,
हमें 7 नंबर वाला पार्ट जो है ये हमने इसको हटा दिया गया है, ये हमारे कौन से अमेंडमेंट नंबर 7 में ही हटाया गया था, तो भैया इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर के ऊपर टिक करना है। 5 नंबर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताता है, ये हटा दिया गया है हमारे 7वें नंबर वाले अमेंडमेंट में, पार्ट नंबर 8 यूनियन टेरिटरी। अरे कर लोगे कि छोड़ के आओगे, एग्जाम में छोड़ के आने वाला कुछ है क्या ऐसा? अरे बच्चों बोलो भाई, करके आओगे कि छोड़ के आओगे? चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बैटल ऑफ पानीपत तीसरा, ये हमारा 1761 में लड़ा गया, ये शताब्दी कौन सी थी, 19वीं 17वीं 18वीं या 16वीं? जल्दी से बेटा, यहाँ पर जितने बच्चे हैं बार बार बोलने को बोल रहा हूँ कि टिक करके बैटिंग करो, हम लोगों को ऊपर जाना है ना कि नीचे आना है, ऊपर की तरफ बढ़ना है, और ये ऊपर की तरफ बढ़ोगे तभी जब आप मेरे साथ टिक करके बैटिंग करेंगे। जल्दी से, यहाँ पर जनता बोली है सर ये जो है हमारी शताब्दी हमेशा एक आगे चलती है, एक आगे, जैसे कि अभी 2000 चल रहा है तो हम लोग 21वीं शताब्दी बोलते हैं। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें। हमें यहाँ पे कृमि खाद जो है ये हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस बाय वर्मी कंपोस्ट रिफर टू द ऑर्गेनिक मैन्योर, ये वर्मी फॉर्म है, ये वर्मीज है, अर्थवॉर्म है, काउडंग है या एग्रीकल्चर वेस्ट है? तो वर्मी कंपोस्ट हमारे जो कंपोज होते हैं वो क्या कहलाएंगे? जनता बोले सर किसान केचुए का, केचुआ किसान का मित्र होता है, वही उसी को पाल करके जो उसके हमारा जो बीट निकलता है ये बड़ा उपजाऊ होता है, जो यहाँ पे ऑर्गेनिक हमारा कंपोज बनता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च कांगड़ा ऐप? बेटा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है। कांगड़ा ऐप आप कौन से मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च देखोगे, यूपी बिहार पंजाब या हिमाचल प्रदेश? बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पर जनता बोली है सर अभी आपने जनवरी 2022 में पढ़ाया था कि सर कांगड़ा ऐप जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च किया था। बहुत बढ़िया है, तो हमारे जीआई टैग हिमाचल प्रदेश की कौन है? चंबा का रुमाल है, याद रखिएगा, कांगड़ा का हमारा जो साल है पश्मीना साल है, ये सब हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग है। गाइस एक और क्वेश्चन आ जाता है वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट को प्यूरीफाई करना क्या कहलाता है? सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट है, प्राइमरी है, वेस्ट वाटर रिडक्शन है या बायोकेमिकल रिडक्शन है? क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को। स्टेज इन विच बायोलॉजिकल प्रोसेस इज यूज टू प्यूरीफाई द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या बोलेंगे? वेस्ट वाटर को ट्रीट करके ठीक करने का काम क्या करेगा? गाइस इसको सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, यही जवाब करके आना एग्जाम में, तो गलत हो जाएगा। गाइस एक और क्वेश्चन आ जाता है, सैव आदेश को नहीं करेंगे महाजनपदों में राजाओं के किलों को किस प्रकार से बनाया जाता था? मल्टीबिलिटी, सिक्योरिटी, मार्केटेबिलिटी या ट्रांसपोर्टेबिलिटी? जो हमारे 16 महाजनपद होते थे इनमें जो राजाओं लोगों का किला होता था वो क्या चीज देता था? तो गाइज अगर मेरे से कोई भी पूछेगा मैं किले क्यों बनाऊंगा राजा के, तो मेरा सिंपल सा कारण रहेगा सिक्योरिटी, सुरक्षा देना। सबसे पहले सुरक्षा बहुत जरूरी है, हमें अपने देश की सुरक्षा और अपने राजा की सुरक्षा के लिए किले बनवाए जाते थे, तो सिक्योरिटी यहाँ पे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा बताइए श्रीहरिकोटा, आप लोगों ने बताया था कि सर हमारे यहाँ पर इसका नाम जो है सतीश धवन स्टेशन भी बोलते हैं, ये कौन से राज्य में? यार तुम्ही लोगों ने बताया था, मेरे को नहीं पता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा? गाइज इसरो अपने जितने भी हमारे बोल सकते हैं कि मिसाइल है वो यहीं से प्रक्षेपित करता है, लेकिन इतने बढ़िया क्वेश्चन में मुझे लग रहा था कि हम लोग 11 बजे 200 के आंकड़े को टच कर लेंगे। दोस्तों ये भी एक नंबर मेरे ध्यान में रहता है, अगर आप लोग ये नंबर मेरे ध्यान में मत रखो, अपने आप आकर के यहाँ पे पढ़ो, तो मेरे को व्यूज की कोई टेंशन ही रहे, मैं खुल करके पढ़ाऊ, मुझे व्यूज की टेंशन ही रहे कि बच्चे आकर के यहाँ पे पढ़ रहे ऑटोमेटिकली, और बढ़िया से आप लोगों को चीजें दूंगा। तो सतीश धवन कोटा, सतीश धवन हमारा जो सेंटर है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अच्छा एक बात बताइए, स्वर्णा नदी किसको बोलेंगे, चंबल को, सिप्रा को, सोन को या तावा नदी को? तो गाइस हम अगर बात करेंगे तो ये हमारे अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पूरब की तरफ बहती है, बाण सागर डैम इसके ऊपर एमपी में बना हुआ है, और फिर जाकर के पटना में गंगा नदी में बह जाती है, हम लोग बात कर रहे हैं सोन नदी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसको आप लोग चौमुखा मंदिर बोलते हैं? एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में बताइए चौमुखा मंदिर किसको बोलेंगे? आनंदेश्वर पासनाथ है, अथुना है, आदेश्वर मंदिर है या बिस्सल देव मंदिर है? सपना वर्मन, ऐसे ही क्वेश्चन आते एग्जाम में, जल्दी जवाब दो सपना। यहाँ पे जनता बोली है सर चौमुखा मंदिर, मतलब चारों तरफ जिसके चार हो मुख उसको बोलते हैं चौमुखा, और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आदेश्वर मंदिर, भगवान आदिनाथ का ये मंदिर है जो कि हमारे जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेचल हॉसले फ्लिंट ट्रॉफी किसको दे देंगे आप? स्मृति मंधाना को, कविसा दिलहारी को, एलएस पेरी को या ऐसा नईम को? यार एलएस पेरी को दे दे क्या, ये बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, लेकिन मैं नहीं दूंगा इस बार, मैं ट्रॉफी दूंगा अपने देश की महिला को, और आपको भी एग्जाम में ये टिक करके आना है, ये स्मृति मंधाना आने वाले प्रश्न करा रहे हैं।
आल्पस पर्वत जो है ये किस प्रकार का पर्वत है? ओल्ड फोल्ड है, यंग फोल्ड है, ब्लॉक माउंटेन है या वॉल्केनिक माउंटेन है? मैं आल्पस पर्वत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। ये कैसा है? तो जनता बोलेगी सर ये हमारा यंग फोल्ड है, मतलब हिमालय का भाई है आल्पस। हिमालय भी यंग फोल्ड है और आल्पस भी यंग फोल्ड है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान 1976 में कहां पे स्थापित करवा दे? जयपुर में, पटना में, चेन्नई में, बनारस में? बेटा संडे वाली क्लास में कराए हुए प्रश्न है। आयुर्वेद संस्थान कब बना था? 76 में। कहां पर है? जनता बोले सर हम जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल सभी लोगों को जवाब देना है, कोई बच्चा चुपचाप अगर बैठेगा तो मजा नहीं आएगा। जयपुर जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका बिल्कुल सही है, जयपुर इज राइट आंसर। अगला आपको बताना है जनवरी 2022 का एक क्वेश्चन आपके सामने है, नारायण राणे जी जो कि हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के क्या है मिनिस्टर है, उन्होंने वर्ल्ड एक्सपो का शुरुआत कहां से किया है? पेरिस से, न्यूयॉर्क, लंदन या दुबई? कहां पर हो रहा है ये वर्ल्ड एक्सपो? यहां पर जनता बोलेगी सर पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क में भारत की जो है उतनी पहुंच नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि दुबई में जो है वो भारत अच्छे खासे अपने रिलेशन मेंटेन करके रखा है, तो कॉमन सेंस पर भी जाकर के हम जवाब दे सकते हैं। तो दुबई इज राइट आंसर, महाराष्ट्र से चुनकर के आए हुए नारायण राणे जी। अच्छा एक बात बताइए, जियो स्टेशनरी जो सेटेलाइट होते हैं वो अर्थ से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं? 36,000, 45,000, 48,000 या 30,000? जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की बात कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे। तो यहाँ पर जनता बोली है सर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, याद रखिएगा। और इनका जो टेन्योर होता है पृथ्वी के चारों तरफ घूमने का वो 24 घंटे होता है, 24 घंटे में ये पृथ्वी के साथ चक्कर लगा लेते हैं। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? सर ने क्वेश्चन पूछा भारत का सबसे लंबा डैम। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो बेटा 220 बच्चे अभी तक हो जाने चाहिए, हम लोग थोड़ी सी संख्या में कम होते चले जा रहे हैं और सिर्फ यही दिक्कत है। बाकी कंटेंट आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिएगा, यहां तक एग्जाम से भी आपको कंटेंट जो अब मिलने वाला है मतलब आज से वो कहीं नहीं मिलेगा कहीं पर भी, लेकिन आपको लगाना है। लेकिन अगर नंबर नहीं दिखेंगे तो फिर यार है ना वो धीमा हो जाता है, वो प्रोसेस जो है धीमा पड़ जाता है। चलिए तो यहाँ पे जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए हीराकुंड डैम। इजी क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम हमारा महानदी पे ऊपर बना हुआ है, सबसे लंबा डैम महानदी के ऊपर बना हुआ है संबलपुर में, बहुत बढ़िया ठीक है, महानदी के ऊपर बना हुआ है। तो जितने लोग यहाँ पर बोल रहे जवाब उनका बिल्कुल सही है, हीराकुंड डैम इज राइट आंसर। लगभग अगर दोनों किलोमीटर से देखोगे तो 25.8 किलोमीटर, मतलब दोनों तरफ की लंबाई नाप करोगे तो इतना लंबा डैम है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर जनवरी 2022 का एक और क्वेश्चन आ जाता है, गोल्डन ग्लोब्स में पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ड्रामा में किसने जीता है? प्रश्न कराया हुआ है, पियानो है, बाइस्टर है, पावर ऑफ डॉग है, द रिवर रन थ्रू है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कम से कम 50 बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको यहाँ पे पता है तो पावर ऑफ डॉग के ऊपर टिक कर दीजिए, यहाँ पर जनता बोल रही है तो मैंने टिक कर दिया। आगे चलते अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? अलीगढ़, अजमेर, आगरा या नवाबों के शहर लखनऊ में? जनता बोलेगी सर अगर हम लखनऊ घूमने गए हैं और वहां पर हम लोगों ने भूल भुलैया नहीं घूमा तो क्या घूमा? तो गाइज आसिफुद्दौला ने इसको 1784 में बनाया था। आसिफुद्दौला ये हमारे बिल्कुल घर के पास में है, कानपुर के पास में है, आसिफुद्दौला ने इसको बनाया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये हमारे कहां पर है? लखनऊ में, यहीं पे बेटा भूल भुलैया भी है, लखनऊ टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में नहीं है, मतलब असम के बाहर है? नमेरी है, कांजीरंगा है, पोबीतारा है या गोरुमारा है? जल्दी से जवाब देंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। जनता बोल रही है सर हम अभी तक 250 बच्चे नहीं हुए, यहाँ पे बच्चों का थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट कम मिल रहा है। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं आप लोगों को। जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए गोरुमारा। तो गोरुमारा हो गया, बक्सा नेशनल पार्क हो गया या सुंदरवन नेशनल पार्क हो गया? सुंदरवन नेशनल पार्क हो गया। ये सभी के सभी हमारे कहां पर है? सारे के सारे हमारे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल में। साइंस का एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हमारा पशु संघ कौन सा? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा है, काइलामेट्स है या एनिलिडा है? सर ने प्रश्न क्या पूछा है कि सबसे बड़ा पशु संघ कौन सा है? जनता फिर से जवाब दे रही है सर सबसे बड़ा अगर पशु संघ की बात करेंगे तो वो आर्थ्रोपोडा होता है, 80% जीव हमारे इसी में लाई करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। सामान्य मानव नेत्र का जो व्यास होता है बेटा, अगर हम मानव नेत्र की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका जो ये हमारा जो है डायामीटर कितना होता है? 24, 14, 32 या 36 mm? बताइए क्या होना चाहिए। तो बच्चा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो हम क्लास में नहीं कर पाते, यहाँ पे आके आप बढ़िया से रिविजन कर सकते हैं। जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए हमारे 24 mm, 42 mm का ये डायामीटर होता है। अगर हमसे बोलेगा रेडियस तो 12 mm कर देना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहला योग उत्सव कहाँ पे मनाया गया? पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारा इंटरनेशनल योग डे 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जनवरी में पहला योग उत्सव मनाया गया। जनता क्या बोलेगी?
तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए। सचिन बोला है सर सही जवाब होना चाहिए सऊदी अरबिया, कैपिटल यहाँ की रियाद है और रियाद यहाँ की करेंसी है, रियाल यहाँ की करेंसी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हमारे भूटान की राजधानी क्या है, मिनिस्क है, वियना है, काबुल है या थिम्पू है। चलिए बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर टिक करना शुरू कर दी है कि सर इसका सही उत्तर होना चाहिए मिनिस्क जो है बेलारूस की कैपिटल है, बेलारूस की कैपिटल मिनिस्क है, सभी को पता है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। काबुल अफगानिस्तान के, थिम्पू टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, थिम्पू टिक कर दिया आगे बढ़ गए। फ्रंटियर गांधी के नाम से आप किसको जानते हैं, खान अब्दुल गफान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद आजाद, अब्दुल कलाम आजाद है, शौकत अली। फ्रंटियर गांधी या खान अब्दुल गफार खान को। अगला क्वेश्चन में आते हैं, हमारे अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कौन बनाए गए, अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एईपीसी के चेयरमैन विनी महाजन है, रवीन शुक्ला है, डॉक्टर सख्तियाल है या नरेंद्र कुमार गोयनका। बढ़िया प्रश्न आपके सामने, बताते चलिए। तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन के जो नए चेयरमैन बनाए गए उनका नाम है नरेंद्र कुमार गोयनका। नरेंद्र कुमार गोयनका ठोकना है, आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध बेटा कौन से राज्य में आपको देखने मिलेगा, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या पंजाब। कोयना सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कोयना है, आपको बताना है कौन से राज्य में। जनता बोलेगी सर ये महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये आपको महाराष्ट्र में देखने मिला। दही से कौन सा अम्ल मौजूद है, दही की बात कर रहे हैं, दूध का दही हो जाता है, फॉर्मिक है, लैक्टिक है, ऑक्सैलिक है या टार्ट्रिक है। पर 250 के ऊपर लेके चलते हैं आंकड़े को, जल्दी से खींचते चलो मामले को, खींचो रस्सी को। यहाँ पे जनता बोलेगा सर फॉर्मिक जो है वो हमारे चीटी चीटा में पाया जाता है, मतलब इंसेक्ट में पाया जाता है, लैक्टिक दूध में पाया जाता है, ऑक्सैलिक टमाटर में पाया जाता है, टार्ट्रिक जो है इमली में पाया जाता है। तो भैया दूध दही यहाँ पे टिक कर देते हैं, दूध दही लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग में भारत ने कितने स्वर्ण कितने पदक जीते हैं, 4, 6, 8, 10। वेटलिफ्टिंग में 55 किलोग्राम में सबसे पहला पदक जिताया था किसने, मीरा भाई चानू ने, और टोटल हम लोगों ने पदक जीते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, जनता जवाब देना शुरू कर दी है कि सर हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है, अप्लाई कर रहे हैं, 8 पदक हो गया सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमारा न्यू अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट, हमारे यहाँ पर संरक्षण का जो नया दृष्टिकोण है किस रूप में देखोगे, सेंचुरी, बायो रिजर्व में, नेशनल पार्क में या हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में। जनता क्या बोल रही है, जनता बोली है सर कंजर्वेशन का जो नया अप्रोच है ये हमको बायो रिजर्व के रूप में देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जनता तुम्ही को बताना, मैं ही सब कुछ बताऊंगा क्या, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे। देखे सबसे पहला जवाब कौन बच्चा देगा, और मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के साथ 250 लिख करके बताना है, 250 होना चाहिए, भैया कंफ्यूजन है यहाँ पे। जनता बोला सर IUCN का हेडक्वार्टर केन्या में नहीं बाबू, केन्या में नहीं है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। रोहित ने सबसे पहले जवाब दिया यहाँ पे ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, जो हमारे डिसाइड करता है। हमारे यहाँ पे टोटल जो है 12 जो है यूनेस्को बायो रिजर्व घोषित कर दिए गए, 12 पूरे इंडिया में। गाइस कई लोग बता रहे हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर ये केन्या में बाबू, ये केन्या के नैरोबी में है, नैरोबी में है, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए आगे प्रश्न बनाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने बेटा, क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेटर है, जरा जवाब दो बेटा। बहुत बढ़िया, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने, ODI कौन बने हुए हैं, और अगर देखा जाएगा T20 कौन बने हुए हैं, सब याद होना, टेस्ट में जो रूट हमने यहाँ पे टिक कर दिया, ODI में बाबर आजम है, और T20 में कौन है यार, पाकिस्तान का बल्लेबाज जिसने बहुत मारा था यार, हम नाम भूल जाते हैं भाई साहब का, इतना मारे थे, इतना ये ओपनर, ये विकेट कीपर भी है, इतना मारा था कि मेरे दिमाग में ये नाम रहता ही नहीं है, क्या नाम था यार इनका, तुम ही लोग बता दो। ये पाकिस्तान के ओपनर है, ये हमारे ICC अवार्ड है जो तुमको याद रखने, हाँ मोहम्मद रिजवान अंकित ने देखो फिर से बताया यार, मैं बार बार इनका नाम भूल जाता हूँ भाई साहब, ये मारा था मेरे को अंतिम समय तक लग रहा था भाई साहब एक विकेट गिर जाए पाकिस्तानी हार जाएंगे वर्ल्ड कप, लेकिन भाई साहब ये आउट ही नहीं हो रहा था, बहुत बढ़िया खेले थे, लाजवाब पारी थी इनकी। और इमर्जिंग प्लेयर कौन बने, उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है, ये हमारे मलान साहब है उभरता हुआ खिलाड़ी। आपको बताना है कि स्पुतनिक गिस्टर इनमें से किस राज्य से संबंधित है, स्पुतनिक गिस्टर इनमें से कौन से राज्य से संबंधित है, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। भैया आने वाले प्रश्न सारे कराए जा रहे हैं, आज से मॉक टेस्ट का जो तरीका हमने बदल दिया है, सारे आने वाले प्रश्नों को हम यहाँ पे समागित कर रहे हैं, अब आप लोगों को यहाँ पे लगाना है इन प्रश्नों को, सारे करंट अफेयर्स, स्टैटिक, GA, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस सब यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनता ने बताना शुरू कर दिया सर लद्दाख के रहने वाले थे, स्पुतनिक गिस्टर एक हमारा जो है ये पारंपरिक उत्सव है, मतलब फेस्टिवल है जो कि हमारे बौद्ध मठ में सेलिब्रेट करते हैं, तो स्पुतनिक गिस्टर एक ये हमारा तिब्बत का फेस्टिवल है जो लद्दाख में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार मेजबानी की थी, फिर 2023 में कर रहे हैं, पहली बार कब किए थे, ठोकते चलो यहाँ पे जितने भी बच्चे ठोकते चलेंगे, और हम यहाँ पे नए आंकड़े को आप लोगों को दे रहे हैं, 270 का आंकड़ा दे रहे हैं बेटा, 270 का आंकड़ा दे रहे हैं। यहाँ पे जनता बोल रही है सर यहाँ पे हमारे पहली बार 1983 में दिल्ली में हुई थी, अब यहाँ पे हो रही है बंबई में, कहाँ हो रही है,
मुंबई में हो रही है बेटा, एक बार सभी लोग बोल देंगे बात समझ में आ रही है कि नहीं, कर लोगे एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 52 से 73, 80 से 88, 42 से 58, 112 से 114 है बेटा। बताइए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, पार्ट नंबर 5 याद रखिएगा। बताइए सभी लोगों को बताना है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठोको ठोको ठोको, 52 से 63, 73 कर दे, 52 से 73। अरे कर दे भैया, जनता बोले ऐसा करो ना यार, रुके क्यों? हिमालय जो है ये किस प्रकार के पहाड़ों से मिलकर बना हुआ है? अभी तुम लोगों ने बताया था ब्लॉक रेसिड्यूअल है, एक्यूमुलेटेड है, या हमारा ओल्ड फोल्ड है? जल्दी बताओ, बोलिए फटाफट। सतपुड़ा, सतपुड़ा है ये हमारा रेसिड्यूअल है, छोटा नागपुर का पठार है ना, और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है भारत की, हाँ फोल्ड माउंटेन सही जवाब है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी? बेटा यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म होती है, सबसे लंबी झील है कौन सी? पैगयोंग है, सांभर है, पंपा सरोवर है, या बिमनाल झील है? ठोकते चलो यहाँ पे, जल्दी, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इसका जवाब नहीं देगा। तो भारत की सबसे लंबी झील की अगर हम लोग बात करें तो केरल में आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है बेबनाड़ झील। जितने लोग यहाँ पर बेबनाड़ बोल रहे, बिल्कुल सही है। पैकयोंग झील जो है लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी, जिसके किनारे थ्री इडियट, किसकी शूटिंग हुई है? थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई है, देखा नहीं तुम लोगों ने? सांभर झील जो है ये कहाँ पर हुई है? सांभर झील जो है ये हमारे उड़ीसा में आपको, नहीं राजस्थान में देखने को मिलेगी। उड़ीसा में तो हमारी कौन सी? चिल्का। पंपा सरोवर बेटा कर्नाटक की बहुत शानदार झील है, कर्नाटक में पंपा अवार्ड भी दिया जाता है। पंपा जो अवार्ड है ये कर्नाटक का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। ये हमारे कहां पर? केरल में, वेबनाड़ झील केरला में। अगला क्वेश्चन है, स्टील उत्पादन का संबंध इनमें से कहां पर नहीं है? जरा देख लेते हैं फिर बनाते हैं क्वेश्चन। जमशेदपुर है, बर्नपुर है, झरिया है, या दुर्गापुर है? बेटा हमने सोचा था पीछे घूमेंगे, 270 हो गए होंगे, 250 से 270, लेकिन आंकड़ा कहां पे चला गया? 229 पे। क्या ये सही बात है? जल्दी से बेटा एक बार, जितने भी पुराने बच्चे हैं, क्योंकि नए तो नहीं दिखाई नहीं दे रहे, जितने भी पुराने बच्चे हैं और जितने भी नए बच्चे, पूरे वीडियो को टिक करके बनाए। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं अभी आपको थोड़ी देर में देने वाला हूं। तो बेटा 75 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए, शायद आप लोगों को नहीं पता चला होगा। गाइज याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो झरिया है ये हमारे कोयले के लिए फेमस है, यहाँ पर कोई भी स्टील प्लांट नहीं है। जमशेदपुर, बर्नपुर एंड हमारा दुर्गापुर, ये सभी हमारे स्टील पावर प्लांट के लिए फेमस है। यहाँ पे झरिया के ऊपर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। झरिया हमारे पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील, हमारे स्टील उत्पादक जो देश है वो पूरे वर्ल्ड का हमारा दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। झरिया कोयले के लिए ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एरोप्लेन का हमारा किसने इन्वेंशन किया था? एडिसन है, स्टेवेसन है, हॉफमैन है, या राइट ब्रदर्स है? एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? बहुत बढ़िया तरीके से जनता जवाब दे रही है, सर सही जवाब होना चाहिए, राइट ब्रदर्स ने इसकी शुरुआत की थी। जितने लोग यहाँ पर राइट, तुम लोगों को 100 क्वेश्चन लगाने हैं, 100 क्वेश्चन कितने लोगों को लगाने हैं कि सर हम 100 क्वेश्चन लगाएंगे डेली? तो भैया यहाँ पे जल्दी से 270 हो जाते हैं, ठीक है ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या जाता है, हमारे एस्प्रिन की खोज हॉफमैन ने की थी। एस्प्रिन जानते हो ना, दर्द निवारक, एस्प्रिन की खोज हमारे की थी। एडिसन के बारे में जानते हो, बल्ब का आविष्कार किए थे, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किए थे। स्टेवेसन जो है ये हमारे शायद इंजन का आविष्कार किए थे, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं उनका आविष्कार ये किए थे। तो एस्प्रिन का आविष्कार हॉफमैन ने किया था, दर्द निवारक दवा। अच्छा बताइए कैलाश मानसरोवर यात्रा ये कौन करवाता है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, गढ़वाल, कुमायूं, या पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? कौन कराता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए, जितने लोग बोल रहे हैं कि सर सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 की तरफ कई लोग जा रहे हैं, कई लोग 2 नंबर की तरफ जा रहे हैं। गाइज इसका जो सही जवाब है अगर हम देखेंगे तो जवाब है इसका, हमारे नीतिला पास को पार करके जब कैलाश मानसरोवर में जाते हैं तो कुमायूं मंडल के द्वारा ये यात्रा ऑर्गेनाइज कराई जाती है। कहते भगवान भोले शंकर का जो है यहाँ पे निवास होता है। टेनिस, जनवरी 2022 में मेलबर्न समरसेट 180 250 इवेंट किसने जीता है? 220 इवेंट किसने जीता? तो यहाँ पर मेलबर्न समर किसने जीता है? तो यहाँ पर मैक्सिमे क्रेमी है, राफेल नदाल है, नोवाक जोकोविच है, या रोजर फेडरर है? तो यहाँ पर जनता बोले सर 100 प्रश्न तो हम नहीं लगा पाएंगे, हमारे औकात से बाहर है, लेकिन याद रखिएगा जीतेगा वही जो पूरी लड़ाई को लड़ेगा। हो सकता है यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। तो 9 जनवरी को हुआ ये हमारा टूर्नामेंट, हमारे सिमोना हालेप के साथ साथ राफेल नदाल ने जीता हुआ है। तो महिलाओं में सिमोना हालेप ने जीता है, सिमोना हालेप ने और हालेप, और हमारे पुरुषों में जीता है राफेल नदाल ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? राफेल नदाल। और महिलाओं में जीता है किसने बताइए? ऑस्ट्रेलिया की है वो, बताइए ऑस्ट्रेलिया की है, पहली ऑस्ट्रेलियन लेडी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता। यार प्लीज यार पूरा वीडियो देखा करो, बड़ी मेहनत लगती है यहाँ पे कंटेंट को बनाने में, बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है भैया?
तो पूरा वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो में एंजॉय करिए, बहुत मजेदार तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे यहीं से। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखना है, नहीं तो फिर यार मेहनत करने का कोई तुक नहीं बनता है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलिए। एस्ले बर्टी इज राइट आंसर, एस्ले बर्टी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, एस्ले बर्टी यहाँ पे सही उत्तर है। आगे चले कि भैया रुक जाए, आगे चला जाए भैया, आगे चलते हैं कि रुके यहीं पे, जनता ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर को बढ़ाना है, टिक करके बैटिंग करना है, तभी आगे चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं यहाँ पे। भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन है? एनी बेसेंट है, विजय लक्ष्मी पंडित है, सरोजिनी नायडू है, या हमारे अरुणा सिपली है? सिर्फ यहाँ पर प्रथम महिला का नाम पूछा गया है, कोई भारतीय महिला नहीं लगी हुई है। तो गाइज यहाँ पे जनता बोलेगी सर एनी बेसेंट के ऊपर टिक करिए, नंबर यहाँ पर 100% आपको मिलेगा। तो एनी बेसेंट जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही है, लेकिन क्या हमसे केवल इतना ही क्वेश्चन पूछेगा? हो सकता है कि हमसे पूछ ले कौन सा साल था, तो 1917 में पहली बार किसी महिला को अपॉर्चुनिटी मिली कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए। याद रखिएगा 1917 में पहली बार ये अपॉर्चुनिटी मिली थी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एनी बेसेंट के बाद आयरलैंड की ये लेडी थी। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इनमें से हमारे चिल्का लेक का जो ब्रैकिश वाटर की पानी है कि लेक है, कहाँ पे देखने मिलेगी? उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? 9 सेकंड में प्रश्न बन जाना चाहिए, 9 सेकंड, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा पहले ही बन जाएगा। 88% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन वाला पेपर नहीं है, लेकिन अगर गलत हो जाएगा ना तो जरूर सेलेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे उड़ीसा जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। सिंगापुर के एयर शो 2022 में कौन सा विमान हमारे यहाँ से गया? राफेल है, सुखोई है, तेजस है या मिग है? हमने फरवरी 2022 में देखा है कि हमारे यहाँ पर ये एयर शो हुआ सिंगापुर में, और हमारे कौन सा विमान गया? तेजस को हमने भेजा है, जो SHL के द्वारा बनाया गया है। जैन धर्म के अनुसार कितने पुराण थे? गाइस जैन धर्म कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया हमने, 10, 12, 14 या 13? गाइस वैसे हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद हैं, लेकिन जैन धर्म के अनुसार यहाँ पर पूछ करके छक्का लगा दिया है हमारे एग्जामिनर ने, 14 पुराणों की बात यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉटनी डील विद द स्टडी ऑफ ग्रासेस इज नोन एज? ब्रायोलॉजी है, माइकोलॉजी है, एग्रोस्ट्रोलॉजी है या डेंट्रोलॉजी है? बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न चुन करके लेकर के आए हैं, आप लोगों को प्रश्नों को बनाना है और इन प्रश्नों के समागम आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जनता बोलिए सर वनस्पति विज्ञान की जो शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वो है हमारा कौन सा? एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी इज राइट आंसर। कई लोग माइकोलॉजी बोले, नहीं माइकोलॉजी जो है ये हमारे जो फंगस होते हैं उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं, बायोफ्राइटा के अध्ययन को बायोलॉजी बोलते हैं, हमारे जो झाड़ की होती है झाड़ डेंट्रोलॉजी बोलते हैं, झाड़ के अध्ययन को हम लोग डेंट्रोलॉजी बोलते हैं। कास्टीय पौधे जो होते हैं, उडी प्लैनेट होते हैं, जैसे सर्ब हो गए, ट्री हो गए, ये डेंट्रोलॉजी हो गए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख है, अक्षय है, ऋतिक है या सैफ अली खान है? मुझे लगता है कि तुम लोगों को ब्रांड एम्बेसडर भी अच्छे से पढ़ने चाहिए, एग्जाम में पूछता है। हेलो सर, बेटा हेलो है, जल्दी आया करो पवन, 10:30 बजे अब तो क्लास खत्म होने वाली, 10:30 बजे अलार्म लगा लो। ये सब बच्चे आ जाते हैं, एकदम टाइम पे आते हैं और टाइम पे पूरे क्वेश्चन बना देते हैं, 90 क्वेश्चन होने वाले, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे समझ जवाब है अक्षय कुमार, यहाँ पर A23 शाहरुख खान, गेमिंग कंपनी है थम्स अप, तेज द थंडर शाहरुख खान है। आगे चलते हैं, यहाँ पे जनवरी 2010 और 2016 को स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का शुरुआत किया गया है ना, शुरुआत किया जा रहा है यहाँ पर किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन है? क्या होना चाहिए? सर ने पूछा है कि यहाँ पर इनोवेशन वीक की जो शुरुआत की जा रही है स्टार्टअप इंडिया की, ये कौन कर रहा है भाई? तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रमोशन और इंडस्ट्री जो ट्रेड है इसके ऊपर टिक करूंगा, एग्रीकल्चर नहीं करूंगा, पेंशन वाला नहीं करूंगा, इन दोनों में एक में करना है। चलो खेल जाते जुआ, एक नंबर लगा देते, देखते क्या होगा। सख संवत का पहला महीना कौन सा होता है? वैसाख, फागुन, चैत्र या भाद्रपद? गाइस कुषाण ने सक एरा की शुरुआत की थी, किसने? कुषाण वंश के हमारे शासक जिनका नाम था कनिष्क, उन्होंने शुरुआत की थी, और सक हमारे यहाँ का नेशनल एरा है, नेशनल एरा के रूप में आप इसको जानते हो, है ना। 78 AD में इसकी शुरुआत की गई थी कनिष्क के द्वारा, और हिंदुस्तान ने इसको अपना नेशनल एरा कब बनाया था ये अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको टिक करना, 22 मार्च को हमने इसको 1957 में अपना नेशनल एरा बना लिया, और इसका पहला एरा होता है चैत्र, चैत्रपद जो है इसका पहला होता है, 22 मार्च से शुरू हो जाता है चैत्रपद। सभी लोगों को बधाई हो, आने वाला है आपका सकेरा का पहला महीना। बोरान में कितने संयोजकता के इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? सीधे साइंस में कुदा दिया आप लोगों को, बोरान, जल्दी से जनता, कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो जवाब ना दे पाए और यहाँ पे आगे पीछे देखे। तो गैया यहाँ पे जनता बोलेगी सर हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए, तो गाइज हम बोलेंगे हमेशा
बेटा अली गा इन टी, गा इन टी। तो यहां पर देखेंगे तो बोरान एल्युमिनियम फैमिली में आता है और यहाँ पे तीन इनकी हमारी होती है, तो मैं तो तीन लगा के चलाऊंगा, बाद में देखूंगा क्या होगा। देखो यहाँ पे तीन सही हो गया, ठीक है। तो हमको याद होना चाहिए, अगर हम पूछेगा ऑक्सीजन उससे टीपो, उससे टीपो, तो ऑक्सीजन सल्फर पूछेगा किसकी बैलेंसी कितनी होती है, तो ये हमारे कौन से उसमें आते हैं, सिक्स में आते हैं, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, दो टिक करके भाग आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स है, टिम बर्नर्स-ली है, क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पर अगर पूछे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो वापस से जनता ने बोला सर जिसके बिना जिंदगी संभव नहीं है उसके आविष्कारकर्ता का नाम हमको याद कर लेना चाहिए। इसके पहले मैंने मोबाइल का नाम, मोबाइल के आविष्कार का नाम था मार्टिन कूपर, हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं टिम बर्नर्स-ली के ऊपर टिक करूंगा, सीधे भाग जाऊंगा। यहाँ पर एप्पल्स के कौन है, एप्पल के हमारे कौन है, बिल गेट्स है, सॉरी स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं, हमारे बिल गेट्स हैं। आगे चलते अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार, एक्सेल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्विक लुकअप फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न जो बना करके आएगा वो विशिष्ट होगा, विशिष्ट का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखे तुम में से कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जरा बनाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूं, मैं थोड़ी देर रुक करके बैटिंग कर रहा हूं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, चलिए। तो गाइज यहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर ये प्रश्न अगर आपको आता है तो आप लोग यहाँ पर जवाब दे सकते हो, वी लुकअप का मतलब है किसी भी हमारे स्पेसिफिक कॉलम के डाटा को देखना और उसको वापस से रिट्रीव करना। तो मैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक का टिक करके आऊंगा, भैया देखो यहाँ पर मैंने आपके एक्सेल के फंक्शन को चेक कर लिया है, हमारे हिंदुस्तान की ज्यादातर एजेंसीज गवर्नमेंट वो एक्सेल पे काम करती हैं, इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। वी लुकअप जो है ये किसी भी स्पेसिफिक कॉलम के डाटा को देखता है और उसको रिट्रीव करता है। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश में आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलो देख लेते, बांधवगढ़ है, संजय है, माधव है, या हमारा नगझिरा नेशनल पार्क है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। कल गाइज हमें कुछ आवश्यक कार्य की वजह से कल हमें शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्लास कल 10:30 बजे नहीं होगी। परसों के दिन हम लोग मिलेंगे फिर से ये 100 क्वेश्चनों की धमाकेदार बारिश के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास का जो पैटर्न हमने चेंज किया है आपको पसंद आया होगा, बहुत ही शानदार पैटर्न था, जीए स्टैटिक जीए, हमारे साइंस और आने वाले प्रश्नों का समागम था। जरूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा नाहरगढ़ नेशनल पार्क, ये हमको कहां पर, हमको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। यहाँ पे सही उत्तर है 4 नंबर। अगर आप हमारे एसएससी की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या आने वाले हमारे किसी भी एसएससी लेवल एग्जाम की, तो आपको ये कूपन कोड इस्तेमाल करना पंकज सी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसका जो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, प्रैक्टिस लेवल वाइज आपको प्रैक्टिस आपके और आपकी रैंक क्या ये भी पता चलेगी। 50 से ज्यादा आपको फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे और रिवीजन के लिए पीडीएफ। कूपन कोड पंकज सी ना केवल आपको डिस्काउंट दिलाएगा बल्कि आपकी डिटेल मेरे तक पहुंचाएगा जिससे कि आप क्या कर रहे हो पता चलता रहेगा। अगर आपने यहाँ पर टेस्ट, मॉक टेस्ट, देखिए हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं वो सीबीटी बेस्ड होते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आपको एक एनवायरमेंट मिलना चाहिए। तो आपको टेस्ट बुक लेकर के आया बिल्कुल लाजमी कीमत पर आपके लिए, 34,000 से सेक्शन वाइज, हमारे सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए, मतलब 470 एग्जाम, एक बहुत बड़ा नंबर है, और इतने सारे टेस्ट और इतने सारे हमारे लोगों के साथ टेस्ट जहां पर आप टेस्ट को सिर्फ ना दे करके एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो गाइज यहां पे कूपन कोड इस्तेमाल करना है पैक पास और आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग फिर से जुड़ेंगे कल सुबेरे 6 बजे, 10:30 बजे आपकी कल छुट्टी है, मिलेंगे परसों 10:30 बजे क्लास में। तब तक के लिए सबका खैर, बाय बाय एंड राधे राधे। जाओ भैया, अब बुला रहे थे तुम लोग आए नहीं, अब जा नहीं रहे हो, क्या करोगे यहाँ रह के, जाओ बाय।